महामारी के चलते बाहर विदेश से लोग अपने घर में वापस आ गए हैं, वहीं पानीपत शहर में भी सभी लोग जो लोग अपने घर वापस आए हैं उन सभी का क्वारंटाइन दिया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों के साथ जो हमारे हीरोज उनकी सेवा करते हैं, उनको सर्विस करते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं क्वारंटाइन करने के दौरान, उन्हें हर तरीके से एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, तो वो जो हीरोज़ हैं वो सच में हमारे शहर के इस समय नंबर वन हीरो ही कहे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान को जोखिम में डाल के जो हीरोज़ काम कर रहे हैं, क्या वो सभी लोग जिनका क्वारंटाइन किया जा रहा है उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? चलिए जानते हैं इन हीरोज से। इन हीरोज में एक हीरो ऐसे भी है जिनकी उम्र है 56 साल और उनका नाम है होशियार सिंह, जो अपने कंधों पर 15 से 20 किलो की सैनिटाइजर मशीन को लेकर घूमते हैं और जगह जगह सैनिटाइज करते हैं, लोगों को कोरोना से रोकने के लिए, कोरोना जैसी बीमारी को रोकने के लिए वे अपने कंधों पर इस तरह का बोझ 56 की उम्र में उठाकर घूम रहे हैं। चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे अपने इस काम को वो पूरा करते हैं। पूरा जी स्प्रे करते हैं सारे कुंडे को और इसको करते हैं। पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज करने में डेढ़ घंटा लगता है जी। डेढ़ घंटे का समय लगता है आपको? ठीक है। ऐसे में आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई है अब तक? नहीं जी। नहीं है। जिस तरह से लॉकडाउन हो गया है, सभी बंद है, मतलब कि सभी जो निजी अस्पताल है उनको भी बंद कर दिया गया है, उसके बाद जो महिलाओं को सबसे प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे में जो जिन लेडीज़ का डिलीवरी है, ठीक है, उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डिलीवरी की जा रही है, तो आपने अब तक ऐसी कितनी डिलीवरी कर दी है लॉकडाउन से लेकर आज तक की डेट? हमारे यहाँ पे जो भी डिलीवरी आती है वो पोस्ट होती है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, एचबी कम है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको रेफर करते हैं, बाकी हम सब करते हैं। 15 डिलीवरी हुई है टोटल आज तक पूरे ही टोटल लॉकडाउन में? लॉकडाउन के बाद 15 डिलीवरी हो चुकी है। 15 डिलीवरी, तो ऐसे में आप लोग भी पूरी तरह से और जो पेशेंट आपके आते हैं उनको भी आप पूरी तरह से मतलब कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो दूरी है इसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं? मेंटेन करके तब लेते हैं, पूरा समझाते हैं हम उसको, हम घर में भी समझाते हैं भाई यहाँ पे घर जाके ऐसे डिस्टेंस रखना है, आपस में दूरियां बना के रखना, मास्क वगैरह लगा के रखना है और सफाई का बहुत ध्यान रखना है। सर, इस ड्यूटी में आपका जो अहम रोल है वो जनता को बताइए कि आप किस तरह से अपना रोल निभा रहे हैं। जो पेशेंट आता है उसको हम समय पर दवाई देते हैं और जो सप्लाई हमारे पास सरकार ने दी रहती है सभी को देते हैं, जैसे ये वर्कर हैं इनको ये डेली फील्ड में जब जाते हैं इनको मास्क कैप सैनिटाइजर ये सारी सप्लाई हमने इनको देते हैं और किसी प्रकार की सप्लाई भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। अगर आपको पता लगता है कि सिम्टम्स हैं उस पर्सन के अंदर जो लोग बाहर से आए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले का जो जीना होता है वो किसका होता है? वो पीढ़ी में मेरा ही होता है और वो हम एक मतलब मीटर से दूर खड़े होकर पेशेंट से बात करते हैं और उसको मेडिसिन देते हैं, अगर इस स्थिति में वो लगता है कि इस चीज़ का पेशेंट है तो उसको हम रेफर करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स काफ़ी डरे हुए भी होते होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो बाहर से आते हैं वही उनको हम समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने परिवार को कितना टाइम दे सकते हैं और परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, कितना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए? हम अपने ड्यूटी पर अलर्ट रहते हैं और पूरा काम करके हम ये देखते हैं कि भाई हमें कब आदेश मिले कि भाई हम थोड़ा अपने घर की तरफ जाएँ, अगर हम जाते हुए कोई मैसेज आ जाता है तो हम वापसी भी हो लेते हैं। वाइफ का बताओ? और मेरी मिसेज बीमार है जी, उसके लिए मैं थोड़ा समय निकाल रहा हूँ, समय लग नहीं रहा जी, जैसा भी है तो ज़्यादा हालत ख़राब है उसकी। वाइफ को क्या हुआ है? उसकी बीमारी मैम पकड़ में नहीं आ रही, पेट में दर्द है और कई जगह पीजीआई खानपुर रोहतक और अदर डॉक्टर जो प्राइवेट हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है लेकिन वजन घटता रहा उसका, सारा 30-35 किलो वजन रह गया। ऐसे में दिमाग जो है आपका दो तरफ रहता होगा, एक घर की तरफ वाइफ की तरफ अपनी और दूसरा अपनी जिम्मेदारी को निभाने की तरफ, तो हाँ जी उसके लिए जो मेरे साथी भाई हैं जो मेरी हेल्प करते हैं जो बोले
मैं कभी पहले लिखने से कुछ गलत हो जाता है तो ये संभाल लेता हूँ, बाकी मेरा जो है माइंड अभी सेट नहीं है और काफ़ी गलतियाँ मैं कर लेता हूँ। परिवार की तरफ ध्यान रहता है, घर में वाइफ जो है काफ़ी बीमार है, लेकिन जिम्मेदारी को उससे पहले निभाना है, क्योंकि इस समय जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक मतलब कि खुद की एक ड्यूटी की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी इनके सर पर है, जिसे ये बखूबी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लगभग कितने घंटे काम करते हैं? लगभग हम तो तैयार रहते हैं, लगभग 24 जब भी कॉल आती है हम ऑलरेडी तैयार रहते हो जाते हैं, उनके टाइम में लगभग 24 घंटे रेडी रहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस समय जो काम कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग कोरोना पीड़ितों से भी मिल रहे हैं, ऐसे में परिवार की तरफ से आपको क्या क्या एहतियात आप लोग बरतते हैं? घर पर जाते हैं तो परिवार वाले आपके साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, कितनी आपके साथ दूरी बना के रखते हैं, ये आप बताइएगा जनता को। परिवार वाले सुबह भेज देते हैं लगभग ठीक जाने के बाद, वो 1.5-2 मीटर दूर डिफरेंस सोशल रखते हैं, इसके कारण हम आराम से सुबह जाके जिस टाइम जाते हैं नहा लेते हैं, नहा के कपड़े चेंज कर लेते हैं और वापसी फिर अलग से रूम में उसमें सेफ रह लेते हैं। मतलब कि खुद को भी आप लोग एक आइसोलेट करके रहते हो? बिल्कुल, हम कोशिश यही रहती है कि अपने परिवार से एक आइसोलेट की तरह बिहेव करें, बच्चों से दूर अलग से रहें, इसी तरह हम जाके अपना आइसोलेट अलग से रूम में रहने की कोशिश करते हैं आप लोग। जब आप लोगों को पता लगा कि आप लोगों की ड्यूटी इस तरह से मतलब कि होम क्वारंटाइन करने के लिए लगा दी गई है, तो तब आप लोगों को क्या लगा कि आप ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर परिवार की तरफ से ये कुछ मतलब परिवार ने इसको मना किया कि नहीं आपको ये नहीं करना, कितना सपोर्ट मिला ये जानने के बाद परिवार की तरफ से, और आपके मन में सबसे पहली चीज़ क्या आई थी? परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है जी, हम सुबह आ जाते हैं ड्यूटी पे 24 घंटे के लिए तैयार रहते हैं, और रही बात परिवार की, ड्यूटी करने के बाद हम परिवार से दूरी बनाए रखते हैं, और सैनिटाइजर है जी हमारे पास, वाश बेसन हाथ वगैरह धोने तभी हम घर के अंदर प्रवेश तो करते हैं, उसमें भी थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। नहीं, जब आपको पहली बार पता लगा कि आपकी जो ड्यूटी है होम क्वारंटाइन करने के लिए लगा दी गई है, तब आपके मन में क्या कोई डर नहीं आया कि कहीं मुझे भी मैं भी संक्रमित ना हो जाऊँ, कि ऐसा पेशेंट ना हो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे परिवार को इससे प्रॉब्लम आएगी, तो ये भी एक दिक्कत बन जाती है? उसको भी हमने बता रखा है, थोड़ी बहुत खांसी जुकाम बुखार हो हल्का सा, वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, बाहर से आया हो और कोई बाहर से घूम के आता हो उससे थोड़ी दूरी रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे फोन पे बता देते हैं, हम अपना फोन नंबर दे के आते हैं, सारी जगह हमने कॉल अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं फील्ड में। हर तरफ कोरोना का प्रकोप है जी हाँ, आज अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति नॉर्मली खांसी या जुकाम के बाद एक टैबलेट ले ले और लोग उसे देख ले, तो उससे लोग कई मीटर की दूरी बना लेते हैं, हालांकि उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। ऐसे हालात में अभी भी ऐसे कुछ हीरोज़ हैं जो डॉक्टर से पहले ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिनका चेकअप किया जाता है, जिनका कोरोना चेकअप किया जाता है। ये वो हीरोज़ हैं जो डॉक्टर से पहले अपनी जान को हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ऐसे हीरो से आज हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो इस समय में भी अपने आप को एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं और किस तरह से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। चलिए जानते हैं हम उन हीरोज के बारे में। आप ये बताइए कि जब आप लोगों की कॉन्टैक्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है? एक तो कुछ सभी प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग कोऑपरेट भी करते हैं, कुछ लोग कोऑपरेट नहीं करते, जो हम पोस्टर बैनर लगा के आते हैं वो फाड़ दिए जाते हैं, और कई प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है। किस तरह का अभद्र व्यवहार आप देखने को मिलता है आपको? उनका बोलने का तरीका भी कई बार थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें कैसे समझाया जाता है इस चीज़ को? काउंसलिंग करके ही समझाया जाता है उन लोगों को, उनको बताया जाता है कि ये सेवाएं उनके लिए हैं, उन्हीं के लिए। आप बताइए कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका आप लोग होम क्वारंटाइन कर चुके हैं और उन्होंने आपका कितना सहयोग दिया है? हम
उम्र मैडम जी लगभग 15 से 20 लोगों का कॉन्टैक्ट कर चुके हैं जो जिनका पीरियड ओवर हो गया है। हाँ, पीरियड ओवर हो चुका है उनका, और बहुत से लोगों ने हमारा सहयोग बहुत दिया है, और कुछ लोगों का अभी चल रहा है तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, पर कुछ लोग हैं जो पता नहीं किस वजह से हमारा सहयोग नहीं करते। जैसे हम गए तो जिस टाइम घर गए तो उनको बताते हैं भाई ये कॉन्टैक्ट आपके लिए है, तो फिर वो कुछ मिसबिहेव करते हैं, कुछ अच्छे से नहीं बोलते, और वो बोलते हैं आप हमारी सारे एरिया को किस भी कर रहे हो ऐसा कुछ बोलते हैं, वो पोस्टर वगैरह फाड़ देते हैं। और फिर हम अगर दोबारा लगाने गए एक दूसरे गए जैसे विकास नगर में हमने दूसरा पोस्टर लगाया था, तो एक आर्य समाज करके था कोई, आर्य समाज में लड़का था जितेंद्र नाम से कोई, हम दोबारा लगाने गए तो उनके घर में जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने गाड़ी गलौज किया और मतलब लगाने नहीं दिया, फिर हम लगा के दवाई वैसे तो बड़ी मुश्किल से लगाने को मोटिवेट किया उनको, उसके बाद उन्होंने लगाने दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये वो कौन लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जिनका आप होम क्वारंटाइन करने के लिए जाते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं, और इनकी आपको कैसे इनके बारे में जानकारी मिलती है? हमारे को हेडक्वार्टर से मैसेज आता है, उस एड्रेस के ऊपर हम उस बंदे की खोजबीन करते हैं, दाएं बाएं से फ़ोन नंबर किसी का मिल जाता है किसी का नहीं मिलता है जी। और फिर जो हमारी आशा वर्कर है उनका भी अहम रोल है जी, हम उनके पास मैसेज छोड़ते हैं तो मैसेज के हिसाब से अपने एरिए में उसको खोज निकालते हैं। और कई ऐसे भी हैं जिनके नाम है, फादर नेम नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो वहाँ यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, जिसका 5 साल पहले पासपोर्ट बना वो एड्रेस वही चल रहा है लेकिन आदमी शिफ्ट हो गया है, उसमें हमें काफ़ी दिक्कतदारी का सामना करना पड़ता है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ये हीरोज़ अपनी जान को जोखिम में डाल के हर दिन उन पेशेंट से मिल रहे हैं, उन सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट से मिल रहे हैं जिनका घर पर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी हाँ, ये उन लोगों से मिलते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, हर तरह से एहतियात बरत रहे हैं। इन लोगों को सच में सलाम।